हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे। बच्चों, अब जब आपने टेंथ के बाद बायोलॉजी चूज किया है एज योर मेजर सब्जेक्ट, आई वुड लाइक टू यू नो कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल एंड फॉर द मोस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि भाई साहब, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हमारा सभी का सपना है डॉक्टर बनना, MBBS करना, तो उस सपने को अचीव करने के लिए हमें सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। इसी नोट पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी क्या है, डेफिनेशन ऑफ लिविंग बीइंग, एंड फाइनली वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस बायोलॉजी इज ऑल अबाउट। जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है बायोलॉजी साइंस के अंदर, वो बायोलॉजी एक्चुअल में क्या होती है। तो देखिए, बायोलॉजी व्हेन यू सी इट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, हमारी धरती पे वी सी लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बहुत तरह के प्लांट्स हैं, बहुत तरह के एनिमल्स हैं। वो सब की जो इंफॉर्मेशन है, उन सब के बारे में जो डिटेल है, वो सब जानने का जो सब्जेक्ट है उसे कहा जाता है बायोलॉजी। दूसरी एक और डेफिनेशन बनती है बायोलॉजी के, विच इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। आपने आपके लोअर क्लासेस से पढ़ा है कि जो इंसान है, दैट इज वी पीपल, वी हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मंकीज। तो वो जो फिनोमेना था जहां पर मंकी से हम डेवलप हुए। मंकी जो थे वो चार पैरों पर चल रहे थे और उनमें से वो चार पैरों पर से हमारे अंदर ऐसा कुछ विकास हुआ, ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ कि वी स्टार्टेड वॉकिंग ऑन टू लेग्स। एंड दैट फिनोमेना डियर फ्रेंड्स इज रिफर्ड टू एज इवोल्यूशन। अडैप्ट कर पाए हम और हमने अपने आप को सर्वाइव करवाया। तो ये जो फिनोमेना होता है इवोल्यूशन का, वो कैसे होता है, उसे समझने का जो सब्जेक्ट है वो भी बायोलॉजी है। ठीक है, आप धरती पर जो भी लिविंग बींग्स देखते हो, है ना, वो चाहे हम हो, हम अपने आप को अगर शेर के साथ कंपेयर करें और शेर को जिराफ के साथ कंपेयर करें, जिराफ को एक हाथी के साथ, हाथी को एक चींटी के साथ, चींटी को घास के साथ, घास को किसी पेड़ के साथ, हम सभी लिविंग बीइंग हैं। और ऑल ऑफ द लिविंग बीइंग्स दैट आर ऑन अर्थ या फिर दैट वर ऑन अर्थ, है ना, द लिविंग बीइंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन पास्ट, विच आर प्रेजेंटली सर्वाइविंग ऑन द अर्थ, एंड जो फ्यूचर में आएंगे इवोल्यूशन की वजह से, हम सभी आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। एंड जब मैं बोलता हूं जुड़े हुए, उसका मतलब क्या, वी ऑल ऑफ अस आर लिंक्ड एंड वी आर लिंक्ड बाय वन अनदर बाय दिस थिंग कॉल्ड दिस कॉमन जेनेटिक मटेरियल। तो हमारी जो सेल्स होती है उनके न्यूक्लियस के अंदर, अज्यूम इफ दिस वर अ सेल, हियर इन द सेल वी हैव दिस थिंग कॉल्ड एस जेनेटिक मटीरियल, राइट, दिस इज अ जेनेटिक मटीरियल। एंड जेनेटिक मटीरियल इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज आइदर DNA और RNA। सो वी पीपल, ऑल दीज एनिमल्स ऑन अर्थ और द प्लांट्स ऑन अर्थ शेयर अवर जेनेटिक मटीरियल। बट फिर क्वेश्चन आना चाहिए ना कि सब अलग क्यों है सर, अगर सभी के अंदर जेनेटिक मटीरियल शेयर कर रहे हैं हम लोग, सेम है, तो फिर हम अलग क्यों है। जैसे हम लोग अलग हैं, वैसे हमारा जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट है वो थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। इट इज नॉट एग्जैक्ट कॉपी, है ना, तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर एग्जैक्ट DNA नहीं है। इट इज पूरे हद तक सेम है, खाली थोड़ा सा फर्क है, एकदम थोड़ा सा। उस थोड़े से फर्क की वजह से हम गौरव मिश्रा बन जाते हैं और आप जो है वो एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखते हैं। उसी DNA उसी RNA की वजह से हम इंसान बन जाते हैं और एक वो जो है पेड़ों पर चढ़ रहा है वो बंदर बन जाता है। तो ये जो हल्का सा डिफरेंस है बच्चों, वो हमें एक दूसरों से सेपरेट कर देता है। ठीक है, अब देखो, आपको मैं स्क्रीन पर कुछ इमेजेस दिखाता हूं। जैसे ये हो गया, है ना, इधर आप देख रहे हो ये दूसरा आया है, फिर ये तीसरा आया है और यहां पर ये चौथा आया है, राइट। यहां पर देखिए जरा, एक ये है, एक ये दूसरा है इमेज, यू हैव दिस थर्ड इमेज एंड यू हैव दिस फोर्थ इमेज। नाउ यू टेल मी, इधर जो चार इमेज दिखाए और इधर जो चार इमेज दिखाए, उनमें क्या फर्क है, बताइए क्या फर्क है, बताओ। हाँ, यहां वाले जो है वो लिविंग है और ये वाले जो है वो नॉन लिविंग है। देन वॉट कंपेल्स यू टू थिंक कि ये नॉन लिविंग है और ये वाले लिविंग है, वॉट कंपेल्स यू टू थिंक दैट। और
और इन अ बेटर मैनर इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, लिविंग बींग क्या होते हैं? आपको कैसे पता चला कि ये लिविंग बींग्स हैं? उसके कुछ कैरेक्टर्स रहे होंगे। तो पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं लिविंग बींग की, फिर आगे बात करते हैं अपने लोग, ठीक है? देखिए, जो लिविंग बींग होता है, यानी जो लिविंग बींग्स हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, या फिर व्हाट इज अ लिविंग बींग? अगर लिविंग बींग्स की बात करें बच्चे, तो व्हाट आर लिविंग बींग्स? लिविंग बींग्स आर सेल्फ रेप्लीकेटिंग। सेल्फ रेप्लीकेटिंग का मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जो रिप्रोड्यूस कर पाए, जो अपनी आबादी बढ़ा सके। दे आर इवॉल्विंग। इवॉल्विंग का मतलब क्या? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी फाइंड ऑल द एनिमल्स, ऑल द प्लांट्स हैव दिस एबिलिटी कि उनमें धीरे धीरे चेंजेस आएंगे और एक नया स्पीशीज का डेवलपमेंट होता है, तो वो इवॉल्विंग होता है। सेल्फ रेगुलेटिंग, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, आई कैन कंट्रोल माई बॉडी। ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, दे हैव दिस एबिलिटी टू कंट्रोल देम सेल्फ, दैट इज योर सेल्फ रेगुलेटिंग। इंटरक्टिव सिस्टम्स, केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। इंटरक्टिव सिस्टम का मतलब क्या? हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंड यू हैव लाइक हेल लॉट ऑफ सिस्टम्स इन योर बॉडी। ऑल दीज सिस्टम्स आर एबल टू इंटरक्ट विथ वन अनदर, एंड बेस्ड ऑन दैट इंटरक्शन वी रिस्पॉन्ड, वी रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मैं अभी मस्त मजे से बैठ जाता हूं, एंड यू नो अभी मेरे को गर्मी सी लग रही है यार, है ना, गर्मी लग रही है, एसी खराब पड़ा है, मुझे गर्मी लग रही है। तो जो गर्मी लग रही है बच्चों, वो क्या है? स्टिमुलस है। वो जो गर्मी थी वो स्टिमुलस है। अगर एसी चल रहा होता तो मेरी बॉडी वुड हैव बीन एब्सोल्युटली नॉर्मल, टेम्परेचर कम रहता, बट अब टेम्परेचर बढ़ गया है, है ना, तो ये मेरी बॉडी को क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये डिस्टर्बेंस हुआ, इसे कहा जाएगा स्टिमुलस या फिर स्टिम्युलाई। अब इस स्टिम्युलाई को मेरी बॉडी के जो मेरे हाथ के रिसेप्टर्स है उसने डिटेक्ट किया कि भाई साहब आपको तो गर्मी लग रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया? पहले तो रिसीव किया, फिर हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है कि यार तेरे को तो गर्मी लग रही है, तेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तेरे ऑर्गन्स जो है उनकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी और तू तो मर जाएगा। फिर तू मर जाएगा तो इन बच्चों को क्या होगा, उनको पढ़ाएगा कौन, है ना। तो मेरा दिमाग ने क्या करा, इतनी सारी चीजों को प्रोसेस किया, और फिर उसने क्या करा, उसने बड़ी कमाल की चीज करी। ये देखो पसीना बहता हुआ दिख रहा होगा शायद थोड़ा बहुत। इसने क्या करा, वो जो पानी था उसको शरीर के बाहर निकालना चालू किया, पसीना बेसिकली। एंड जब ये पसीना इवॉपरेट होता, जैसे ये पसीना हल्का हल्का इवॉपरेट होगा, मेरा जो टेम्परेचर था वो लोअर डाउन हो जाएगा, मतलब बेसिकली मुझे हल्की हल्की ठंडी लगेगी। तो ये सब क्या है भाई साहब, किस किस का पार्टिसिपेशन हुआ? देखो सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम का पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक है। ये सेंसरी सिस्टम जो है वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये सारे सिस्टम आपस में पार्टिसिपेट करें। पानी निकल रहा है तो थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन भी हो रहा है, वेस्ट मटेरियल भी निकल रहा है थोड़ा बहुत साथ में, तो ये अलग अलग सिस्टम आपस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और पार्टिसिपेशन से हो क्या रहा था, क्यों पार्टिसिपेट करने की जरूरत पड़ी, क्यों हमने काम किया ये सब? क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलाई आई हीट के रूप में, उसने कंपेल किया हमारे सारे सिस्टम को आपस में इंटरैक्ट करने के लिए, और फिर हमने रिस्पॉन्स किया पसीने के रूप में, समझे। तो ये सभी ऑर्गेनिजम्स कर पाते हैं, सभी प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये कर पाते हैं रिस्पॉन्ड एक्सटर्नल स्टिमुलस को। अभी आई वॉन्ट आप एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और फटाफट से इसका नोट बनाएं, आगे बढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग। लिविंग बींग जो होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं, वो गुण क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो बच्चों अब हम समझेंगे कि अगर कोई चीज जिसे लिविंग बींग कहा जा रहा है तो उसके पास कौन से कैरेक्टर्स होंगे, ऐसे कौन कौन से गुण होंगे किसी चीज के पास में कि उसे कहा जाए एक लिविंग बींग। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग बींग हैज फीचर्स सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस। इसके अलावा और भी काफी सारी एबिलिटीज होती है उनके पास, और भी कैरेक्टर्स होते हैं, बट एनसीईआरटी में हम लोग इन चार मेजर पॉइंट के ऊपर ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं समझता हूं व्हाट इज ग्रोथ। अब ग्रोथ जो होता है बच्चों, इट इज इंक्रीज इन द मास एंड नंबर्स ऑफ सेल, ठीक है। एक सेल थी, जैसे मान लो यहां पर आपके पास में एक सेल था जायगोट के अंदर, जायगोट की बात करो, एक सिंगल सेल थी। अब वो जायगोट डिवाइड करता है एंड इसके डिवीजन से दो सेल्स ऐड होती हैं, फिर उसके डिवीजन से क्या हो रही है, चार सेल, और ये चार के डिवीजन पे आठ, ऐसा लगातार होता जाता है। तो व्हाट आर वी फाइंडिंग, एक स्ट्रक्चर जो पहले इतना सा था अब बढ़ करके इतना बड़ा हुआ, तो उसका मास बढ़ा। दूसरा हम देख रहे थे यहां पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे थे, तो या तो इंक्रीज इन मास होता हो या इंक्रीज इन नंबर होता हो, दोनों ही केस में उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा ग्रोथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय सेल डिविजन। अब सेल डिविजन का मतलब देखो, यहां पे हमने क्या किया था, एक सेल ले रखी है, उस सेल के स्प्लिट होने पर, इस सेल के स्प्लिट होने पर दो डॉटर सेल्स बनती हैं और इस फिनोमेना को कहा जाता है सेल डिविजन। राइट, आगे बढ़ते हैं, एंड दिस इज समथिंग जो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड कीप अ नोट ऑफ इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द प्लांट्स ग्रो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल बट एनिमल्स ग्रो ओनली अप टू सर्टेन एज। देखो जो प्लांट्स होते हैं ना, अगर उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले, प्रॉपर लाइट मिले, प्रॉपर वाटर मिले, सब कुछ ऑप्टिमम कंडीशन हो, तो प्लांट हमेशा बढ़ते रहते हैं, है ना। प्लांट हमेशा बढ़ते रहेंगे जब तक उनकी डेथ ना हो। हमारे साथ ऐसा नहीं है, मैं कितना भी खाना खाऊं, कितना भी दूध पीऊं, कितना भी पानी पीऊं, कितनी भी एक्सरसाइज करूं, आफ्टर सर्टेन एज में देखूंगा मेरी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। हमारे तो समझो बहुत कम है, ठीक है, यूजुअली जो लंबे हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अवर हाइट सीजेस टू ग्रो, वी डोंट टेंड टू लाइक यू नो ग्रो फॉर एवर, है ना। हमारी हाइट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है एक समय के बाद में जाके, हमारा ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, एंड इट इज हैपनिंग विद ऑल द एनिमल्स। प्लांट्स जबकि का हमेशा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, प्लांट्स का हमेशा ग्रोथ होता है। दूसरा, सर्टन सेल्स हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। अब हमारे तो लगभग सभी सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ प्लांट दे हैव अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड एज मेरिस्टेम। आई वॉन्ट यू गाइज टू नोट इट डाउन, they have these specialized group of cells which can divide and add new cells, ठीक है। ये होती है plants के अंदर, ना कि हमारे अंदर, अवर हमारे अंदर लगभग सभी cells divide कर सकते हैं। plants के अंदर specialized cells होते हैं जो division का काम करते हैं, उसे कहा जाता है meristem, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, I want you to understand that in higher plants and animals, growth and reproduction are exclusive events. हमारे अंदर ग्रो होना अलग बात है और रिप्रोडक्शन होना अलग इवेंट है। ग्रोथ अलग इवेंट है, रिप्रोडक्शन अलग इवेंट है। ग्रोथ में क्या हो रहा है, हमारी हाइट बढ़ रही थी, हमारे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे थे, हमारा मास बढ़ रहा था। रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, एक नया इंडिविजुअल बनाया जा रहा था, एक नया ऑफस्प्रिंग बनाया जा रहा था। दोनों अलग अलग इवेंट होते हैं हमारे अंदर, है ना। जो हाइयर प्लांट्स और एनिमल्स होंगे वहां पर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग टर्म है। क्यों अलग अलग बोल रहे हैं, यहां पर अलग अलग बोल रहे हैं हाइयर प्लांट्स और एनिमल्स में पर्टिकुलरली, क्योंकि जो लोअर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें दोनों एक ही चीजें होती हैं, वहां पर ग्रोथ भी वही है और रिप्रोडक्शन भी वही है। अभी समझते हैं आगे चल करके, अभी आप साथ में रहेंगे हमारे। इंक्रीज इन द बॉडी मास इज ऑल्सो ग्रोथ। पहले में इतना सा था यार, पहले इतना सा था, मान लो जब पैदा हुआ तो हम लोग लगभग एक सवा एक फुट के थे। आज भगवान की दया से हम लोग लंबे चौड़े होकर के 5.5-6 फुट, कुछ 6.25 फुट भी होंगे आप लोग में से, तो हमारी हाइट बढ़ी है ना, हमारा मास भी बढ़ रहा है, तो इवन दैट इंक्रीज इन मास इज रिफर्ड टू एज ग्रोथ, राइट। अब ऐसा नहीं होता कि सभी के सभी चीजें ग्रो करती हो जो केवल लिविंग हो, है ना, केवल लिविंग चीजें ग्रो करेंगी, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज वी हैव नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन, देन वी हैव बाउल्डर्स जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो सैंड माउंट होते हैं पहाड़, रेतीले पहाड़ जो होते हैं वो भी बढ़ते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप आपके टेबल को या फिर आपके बुक को या फिर अगर आपके घर के ऊपर, घर में समझो अगर आप झाड़ू नहीं मारते हो तो धीरे धीरे वहां पे धूल मिट्टी का लेयर जमने लगता है। अगर ये बहुत सालों तक ऐसा रहेगा तो हम देखेंगे उसका भी लेंथ, उसकी भी जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा बढ़ेगा। वो भी क्या हो रहा है, ग्रोथ ही तो है ना। बट वहां पर ग्रोथ केवल सरफेस पे हो रहा था, अक्यूमुलेशन हो रहा था, है ना। जैसे ये सरफेस था, इसके ऊपर मिट्टी पड़ती गई, तो पहले सरफेस की हाइट इतनी थी, 1 सेंटीमीटर जितना मान लो, अब बढ़ करके 5 सेंटीमीटर हो गई। बट ये केवल एक्सक्लूसिव इवेंट हुआ है, बाहर हुआ है ना, एक्यूमुलेट हुआ है सरफेस के ऊपर, अंदर से ग्रोथ नहीं हुआ। हमारे अंदर ग्रोथ अंदर से है। मेरे बच्चे बोलते हैं सर आपका पेट ज्यादा बाहर है, तो बेटा पेट बाहर है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे चमड़ी के ऊपर फैट है, फैट अंदर है। तो वो जो ग्रोथ हो रहा था वो इंटरनल ग्रोथ था, एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। जो नॉन लिविंग होते हैं उनके अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ होता है और जो लिविंग होते हैं उनके अंदर इंटरनल ग्रोथ होता है, वो ध्यान में रख के रखोगे बताओ आप लोग, सही है। चलिए, तो ये जो था ना, क्योंकि ग्रोथ जो था वहां पे वो लिविंग के अंदर भी हो रहा था और कुछ को नॉन लिविंग के अंदर भी हो रहा था, तो ग्रोथ को क्या है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया हमने। हम आगे बढ़े और हमने समझने की कोशिश करी रिप्रोडक्शन के बारे में। अब रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी विच आर सिमिलर टू पेरेंट्स, ठीक है। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, बच्चे बनाना, ऑफस्प्रिंग्स बनाना, नए इंडिविजुअल्स बनाना। तो कोई भी ऐसी प्रोसेस जहां पर ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंट इंडिविजुअल्स हैं वो नए ऑफस्प्रिंग्स या नए इंडिविजुअल्स बनाएंगे
और उस फिनोमेना को कहा जाएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यूजुअली होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं, आपने 10th स्टैंडर्ड में इसके बारे में फेयर बिट ऑफ आइडिया लिया होगा। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं, दैट मींस एक गैमेट मेल की तरफ से आएगा और दूसरा गैमेट फीमेल की तरफ से आएगा, दोनों का फ्यूजन होगा और बनेगा एक सेल जिसका नाम है जाइगोट। फिर जाइगोट के अंदर डिवीजन चालू होता है। तो आपने क्या देखा, कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट मतलब माता जी से आए और कुछ कैरेक्टर्स पिताजी से आए, तो कैरेक्टर्स क्या हो रहे थे, मिक्स हो रहे थे। तो इसकी वजह से क्या देखने मिला था, वेरिएशन। तो यू विल फाइंड इट रिजल्ट्स इनटू वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब याद है? अरे भाई साहब याद है नहीं है। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस इन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। हम हैं, आप सब हैं, हम सब लोग एक ही बिरादरी के, एक ही स्पीशीज के हैं, बट फिर भी गौरव मिश्रा में और आप सब में बहुत फर्क है, हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं। आप देखने में शायद बहुत ज्यादा गोरे हो, शायद ऐसा हो कि आप बहुत ज्यादा लंबे हो, पतले हो सकते हो, मोटे हो सकते हो, हम थोड़े से सांवले हैं, हमारी हाइट भी कम है, हम थोड़े से मोटे भी हैं। तो ये सब हमारे और आपके बीच में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, बट हमारे जो जेनेटिक मेकअप है वो दोनों के ही सेम है। तो ये जो हमारे अंदर हल्का सा वेरिएशन आया है, जो फर्क है वो है वेरिएशन की वजह से। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इट लीड्स टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे चेंजेस आते जाए ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसके वजह से एक नई स्पीशीज डेवलप हो। जैसे कि हमारे अंदर हमने देखा, बंदरों से हम लोग इवॉल्व हुए थे, यानी बंदरों से धीरे 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 जेनेटिक मेकअप में चेंज आता गया और हमारे हमारे जो इंसान है वो एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये परफॉर्म किया जाता है यूजुअली हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के द्वारा। जबकि का जो दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में गैमेट्स रिमेट्स नहीं फॉर्म होते हैं, ना तो ये वेरिएशन रिजल्ट करता है और ना इससे इवोल्यूशन होता है। यहां पर आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, मतलब अगर पेरेंट्स जैसे थे वैसे ऑफस्प्रिंग बनेंगे, और उनके लिए टर्म यूज किया जाता है क्लोन, जहां पर सभी के सभी एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, जैसे कि फंजाई होती है, some of the fungi can reproduce by formation of spores। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक राइजोपस है, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है स्पोरेंजिया है और इसके अंदर होते हैं बहुत सारे स्पोर्स। तो जब ये स्पोरेंजिया फटता है तो क्या होगा, बहुत सारे स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे हवा के द्वारा, और जहां पर भी ये लैंड करेंगे अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वो जर्मिनेट करेंगे और एक नई फंजाई ग्रो करवाएंगे। दूसरा है मेरे पास ईस्टर हाइड्रा, दे रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। तो मान लीजिए ये एक ईस्ट है, इसके ऊपर एक साइड वाइज ग्रोथ आता है जिसको बोलते हैं बर्ड, और इवेंचुअली आप क्या देखोगे, ये बर्ड सेपरेट हो जाएगा पेरेंट में से और नया ऑफस्प्रिंग बना देगा, राइट। दूसरा होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है, प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस करता है रीजनरेशन के द्वारा। तो ये प्लेनेरिया था, अब मानिए इस प्लेनेरिया का ये हिस्सा जो था वो कट गया, तो आप क्या देखोगे, दोनों ही में से दोनों ही में से नए प्लेनेरिया डेवलप हो जाएंगे, और ये फिनोमेना है किसका, रीजनरेशन का। उसी तरीके से जो फंजाई है, आल्गी है, प्रोटोनिमा होते हैं, वो देखने मिलेंगे आपको मॉसेस के अंदर। उनके अंदर आपको क्या देखने मिलेगा, उनके अंदर होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या, मान लीजिए आपके पास कोई आल्गी थी और इस आल्गी के अलग अलग टुकड़े पड़े, तो जितने भी टुकड़े हुए होंगे उस आल्गी के, हर टुकड़े में से एक नई आल्गी डेवलप होगी, इसे कहा जाएगा क्या बच्चों, फ्रेगमेंटेशन। Right? Now I want you to understand something, that in case of reproduction, ठीक, अगर unicellular organisms हैं, single celled organisms हैं, तो उनके अंदर growth और reproduction दोनों एक ही है। Reproduction का मतलब क्या हो रहा था, नए individuals बनाना। Reproduction का मतलब क्या हो रहा था, नए individuals बनाना। और unicellular के अंदर क्या, यहां पे जैसे देखो इसके अंदर समझो आप एक single cell थी, unicellular था, अब यहां पर division के बाद में दो नए cells बन रहे हैं ना, नए सेल्स बन रहे हैं, नए इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, मतलब क्या हुआ है, रिप्रोडक्शन। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़े मतलब क्या हो गया, कहां चला गया, ग्रोथ। तो यूनिसेलुलर के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों इंक्लूसिव है, आप ग्रोथ भी बोल सकते हो, आप रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो, बट फॉर हायर एनिमल्स मल्टीसेलुलर के अंदर ग्रोथ अलग, रिप्रोडक्शन अलग। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात बेटा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। अब देखो जब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग बातें करते हैं,
हम लोग पिक्चर देखते हैं, हम बहुत सब कुछ कर रहे होते हैं यार हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में। और ये सब जो कुछ होता है वो होता है हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होने की वजह से। तो जब मैं खाना खाता हूँ या फिर मैं कोई दूसरा इवेंट करता हूँ, तो मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। उन सभी बायोलॉजिकल रिएक्शंस के जब एक साथ बात की जा रही हो, जब उन सभी बायोलॉजिकल रिएक्शंस की बात की जा रही हो एक साथ, तो बात की जा रही है बच्चों मेटाबॉलिज्म के बारे में। सो यू सी सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारे शरीर के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं, अगर उन सभी की एक साथ में बात कर रहे हो तो बात कर रहे हो किसकी? मेटाबॉलिज्म की। अब मेटाबॉलिज्म के जो रिएक्शंस हैं वो होते हैं दो तरह के, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है पता है आपको? नई चीजें बनाना, नई चीजें बनाना, छोटी चीजों को जोड़ करके नई चीजें बनाना। तो जैसे तुम्हारे पास ये रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसके जुड़ने पे क्या बना? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, वाटर की रिएक्शन, मतलब वाटर नहीं लिखा मैंने वहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सिंपलर फॉर्म था। इन सिंपलर फॉर्म के जुड़ने पर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना जिसका नाम था ग्लूकोज। तो ये जो प्रोसेस होती है बच्चों, जहां पर सिंपल चीज से कॉम्प्लेक्स बनती है उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और उसके लिए एनर्जी दी जाती है। ये लोग क्या करते हैं? एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। तो पहला पॉइंट तो क्या बन गया? सिंपल से कॉम्प्लेक्स। और दूसरा ये लोग क्या करते हैं? एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। दूसरा आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिज्म का उल्टा। एनाबॉलिज्म में सिंपल से कॉम्प्लेक्स जा रहे थे, कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स से सिंपल पे आओगे। तो यहां पर क्या कर देते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्सेस को ब्रेक डाउन करते हैं किसमें? सिंपलर फॉर्म में। और यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी यूटिलाइज हो रही थी, कैटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पर एनर्जी इज रिलीज। देखो रिएक्शन, देखो यहां पर लिखता हूं मैं, C6H12O6 गिव्स CO2 प्लस वाटर प्लस 38 ATP। देखो एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों, समझे आप? तो ये सारा जो है ये होता है मेटाबॉलिज्म। और एक टर्म आता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये आगे वाले चैप्टर्स में आपको समझाएंगे। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, तो यहां पर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलती है। कुछ होते हैं मल्टी सेलर, जहां पे टिश्यूज बनते हैं वहां पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आता है। कई जगह पे आप देखोगे टिश्यू के जुड़ने पर ऑर्गन बनता है, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो ये जो है ना, ये मेटाबॉलिज्म होता है ये सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे। इसलिए ये जो ऑर्गन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये बन जाता है डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक्सक्यूज मी। या उसी तरीके से एक इवेंट होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? हमें ये पता होना कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है। आप देखो, आप सुनसान सड़क पे अकेले जा रहे थे और अचानक से आपको सफेद कलर की साड़ी में एक बहुत ही सुंदर सी औरत झाड़ पे उल्टी लटकी हुई दिखती है। हाँ, तो जितना अभी आप प्यार से मुस्कुरा रहे हो उतना प्यार से नहीं मुस्कुराओगे बेटा उस समय, जो है ना, मतलब क्या बोले हम आपको, मजा आ जाएगा आपको, डर जाओगे। यू नो कि भैया खतरा है, यू नो कि खतरा है। हमने क्या कर लिया? हमने एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर जो जो स्टिमुलस थी उसको डिटेक्ट कर लिया। हम रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी बोलेंगे आइए देवी जी स्वागत करिए हमारा, है? अरे नहीं, ऐसा नहीं, कैसे बोलोगे आप? स्वागत नहीं करेंगे हमारा, चुलबुल पांडे के अंदाज में बोलोगे आप, है? ऐसा थोड़ी करोगे यार, आप भागोगे दुम दबा करके, समझे? वैसे आप जा रहे थे जंगल में, आपने देखा सामने शेर खड़ा है, ऐसा थोड़ी बोलोगे चल आज आप देखते हैं कौन किसका बाप है। क्या करोगे? दुम दबा के भागोगे। अरे तुम साला शेर की बात कर रहे हो यार, मैं तुमको बताया अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता भी भागेगा तब भी दौड़ने लग जाओगे तुम, समझे बात? तो हम बेसिकली क्या बता रहे हैं आपको? वी नो कि हमारे एनवायरमेंट में क्या हो रहा है एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारा बिहेवियर होता है। वी विल रिस्पॉन्ड टू इट। दिस इवेंट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या है? देखो, रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, हमारी वो एबिलिटी कि हम हमारे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सके, वो हमारा कॉन्शियसनेस है। अभी हमको पता है कि तापमान ज्यादा है तो हमारा पसीना निकल रहा है, वो हमारी कॉन्शियसनेस है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हम उसको, ठीक। दूसरा, ये जो रिस्पॉन्स सिर्फ एनिमल्स नहीं करते, प्लांट भी कर सकते हैं। तो जो प्लांट होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं वॉटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, टेम्परेचर, लाइट और न्यूट्रिएंट। इसको याद रख सकते हो आप वॉटलिन के द्वारा, वॉटलिन,
जहां पे वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, लाइट और न्यूट्रिएंट। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखेंगे हम लोग, जैसे प्लांट्स होते हैं, कुछ सर्टेन एनिमल्स होते हैं जो हमेशा रिप्रोड्यूस नहीं करते, ये लोग सीजनल ब्रीडर होते हैं, मतलब 12 महीने ये लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, 12 ही महीने ये लोग ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं करते हैं, ओनली सर्टेन सीजन जहां पे आप देखते हो रिप्रोडक्शन होता है। जैसे अभी अभी गर्मियां चालू हो रही है तो आप देखते हो आम का सीजन, इनफैक्ट गर्मियां खत्म होने वाली है, सॉरी, हाँ आप देखते हो आम का सीजन है अभी, क्यों है? गर्मियों में आम का सीजन आ रहा है भाई, क्यों ना सर्दियों में आता हो? क्योंकि जो जो आम है उसके फूल जो होते हैं वो फूल केवल इसी सीजन में खिलते हैं, सर्दियों के एंड में वो खिलते हैं और अभी हमको आम मिल जाते हैं। तो ये सब है सीजनल ब्रीडर, और सीजनल ब्रीडर जो है वो डिपेंड करता है फोटो पीरियड पे, तो फोटो पीरियड अफेक्ट इज अ सीजनल ब्रीडर। फोटो पीरियड मतलब अमाउंट ऑफ लाइट विच इज अवेलेबल फॉर द प्लांट्स एंड द एनिमल्स यूटिलाइज। ठीक है, आप देखते हो सर्दियों के सीजन में सनलाइट जो है वो कम समय के लिए होती है, गर्मियों में ज्यादा होती है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ज्यादा सनलाइट चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कम सनलाइट चाहिए। तो ये जो है बच्चों ये फोटो पीरियड, ये सब में आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको खाली मेन पॉइंट ये ध्यान में रखकर रखना है कि जो कॉन्शियस पॉइंट कॉन्शियसनेस है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट बताता हूं आपको मैं, जो ह्यूमन बींग है, बाकी सबको तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बारे में पता चलता है, हमें भी पता चलता है, जितने भी लिविंग बींग है उनको हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट का पता चलता है, जबकि जो ह्यूमन बींग है हमको सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है, वी ऑल्सो हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ह्यूमन बींग। तो बच्चों ये जो हमने बात करी है, दिस थिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इज बेसिकली द सम ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अभी के वीडियो में हम इतनी ही बात कर रहे हैं, जो अगला वीडियो होगा बेटा वहां पर हम लोग टैक्सोनॉमी के बारे में स्टार्ट करेंगे, सिस्टमैटिक्स के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो बनाया बच्चों आपको अच्छा लगा होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, इस वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आगे फ्यूचर में कभी आपके लिए यूजफुल हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें या कष्ट जरूर करें, और जब इतना ही कष्ट उठा रहे हो तो नीचे वो घंटी जैसा बटन होगा वो भी दबा देना, ताकि फ्यूचर में जब कभी वीडियो अपलोड हो तो आपको भी एक नोटिफिकेशन मिले, इवन यू कैन गेट थ्रू दोज वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।